तो भैया अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। राम मंदिर के बनने के बाद भारत की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि लोग कुछ भी करने के लिए, लेकिन अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। आपने तो बहुत ज्यादा टीवी समाचारों में देखा होगा, आज भी इसमें प्रेजेंट में 3-4 लाख से ऊपर ही लोग आज भी दर्शन करने के लिए आते हैं। इस लोकप्रियता को देखते हुए हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो भी सोच रहा है कि राम मंदिर बनवा डालें। और बनवा क्या डालें, वो राम मंदिर बनवा भी रहा है दोस्तों। अब आप ही बताइए कि इस लोकप्रियता को देखते हुए इस्लाम में जब इस तरह से हो रहा है, जो कभी सनातन धर्म को मानता ही नहीं है, सनातन धर्म को गाली देता है और उसको कहता है ये कोई धर्म है, अब आप ही बताएं ये धर्म है या वो धर्म है। अब वो खुद एक असमंजस में पड़ चुके हैं। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि क्या इस्लाम कोई धर्म है या फिर सनातन। अब आप ही सोचिए, इस्लाम धर्म है ही कहाँ, वह तो मजहब है। मजहब का मतलब ही होता है समझौते का धर्म, जिसको समझौता दिया जाए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट शादी की जाती है, शादियों में लिखा पढ़ी होती है, आप जब कोर्ट मैरिज करेंगे तो उसमें लिखा पढ़ी होगी, ऐसे ही इनका धर्म है। ये हर बात में लिखा पढ़ी यानी एक मजहबी किताब को लेकर हर बार एक नया धर्म के रूप में अलग अलग तरीके से फतवाएं जारी करते हैं। अब आप ही सोचिए ये धर्म है या कुछ और है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान भी राम मंदिर बनवा रहा है। मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं अपना फेस रिवील आपके सामने कर रहा हूँ और आज का टॉपिक इसी पाकिस्तान के राम मंदिर बनने के बारे में है पूरी जानकारी। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो भैया वैसे तो पाकिस्तान हिंदुओं को देखकर आग बबूला हो जाता है, उनसे नफरत भी करता है। और यहाँ तक कि आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान कई हिंदू मंदिरों को तोड़ता आ रहा है, जैसे माता हिंगलाज की मंदिर, अभी जल्द ही आपने देखा होगा माता हिंगलाज के मंदिर को पाकिस्तान ने तोड़ दिया है। अब बात ये करते हैं कि अब ये सोच लीजिए कि जब उस मंदिर को तोड़ता आ रहा है और फिर राम मंदिर बनवाने जा रहा है, और इसको देखकर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, जरा इस वीडियो को देख लीजिए। जैसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा। जय। अब भैया जी कह ही रहे हैं कि आप जितने भी चाहे उतने भी राम मंदिर बनवा लीजिए, लेकिन एक दिन इस्लाम पूरी दुनिया पर राज करेगा। अब मैं इनको क्या बताऊं, आप ही जो बता सकते हैं बताएं। अब इन जनाब को कौन क्या समझाए, हम क्या बोलें इनके बारे में, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद आबू धाबी में भी एक विशाल मंदिर बन गया है, जिसे देखकर पाकिस्तान भी राम मंदिर बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सच सुन रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये भले ही अयोध्या या आबू धाबी की तरह बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ के हिंदुओं के लिए काफ़ी विशेष है और आस्था का केंद्र है। पाकिस्तान के डेरा रहीम यार खान के रहने वाले माखन राम जयपाल ने अपने एक YouTube वीडियो में इस मंदिर का दर्शन किया है और इसके बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का अकेला हिंदू मंदिर है जहाँ पूजा होती है। इस मंदिर की इमारत काफ़ी पुरानी होने की वजह से जर्जर हो चुकी है, ऐसे में अब इसके बराबर में ही नई मंदिर की नई इमारत बनाई जा रही है। इस नई इमारत को बाबर और जुल्फिकार नाम के दो मुस्लिम युवक तैयार कर रहे हैं। इसे जानने के बाद भैया आप कट्टर मुस्लिम पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं। तो भैया राम मंदिर हमारे देश में बन चुका है, पाकिस्तान भी राम मंदिर बनवा रहा है जो 6 महीने के अंदर बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के मजदूर कह रहे हैं और वहाँ के लोग कह रहे हैं, और जो लोग हैं वो भी मुसलमान हैं और जो वहाँ के कारीगर हैं वो भी मुस्लिम हैं। तो भैया इसी के साथ पाकिस्तान भी समझ चुका है कि उसका असली धर्म क्या है और वो राम मंदिर बनवा रहा है। ऐसा देखकर कई कट्टरपंथी मुस्लिम जो वहाँ के बड़े बड़े मौलाना हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके पिछवाड़े में किसी ने रॉकेट लगा दिया हो। तो भैया ये थी आज की जानकारी, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। और आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगा और फिर से ऐसे ही नए टॉपिक का वीडियो बनाता रहूँगा। लेते हैं आपसे इजाज़त,
मिलेंगे फिर ऐसे ही खास जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।